हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रेडिशनल मेकअप करने वाले हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं, जो कि अभी आप देख रहे हो। ये मैंने एक पीच कलर की मेरी साड़ी है जिसके साथ मैंने मेकअप किया है। जब भी हम पीच कलर का कोई ड्रेस पहनते हैं या गाउन या आउटफिट कुछ भी जब हम कैरी करते हैं, तो हम ये परेशान होते हैं हम डार्क कलर का मेकअप करें या लाइट कलर का। तो आज इस वीडियो में आपकी वही परेशानी हल करने वाली हूँ कि जब भी आप पीच कलर का कुछ आउटफिट कैरी कर रहे हो तो आपको किस तरीके का मेकअप करना चाहिए। तो चलो वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना और लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो देखना शुरू कर। तो सबसे पहले वही हमें अपने फेस को टोन कर लेना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में अपने फेस को सबसे पहले टोनर लगाती हूँ, जो कि गुलाब जल है। ये आपकी पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है फेस के। और उसके बाद ये मेरे पास पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो पहले हमें टोनर और फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद हमें मेकअप करना है। सॉरी, अभी हमें प्राइमर भी लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का ये प्राइमर, सॉरी CVB का ये प्राइमर ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है ऑलरेडी। अगर ये मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाइए वीडियो देखिए। बहुत ही अच्छा है ये एक प्राइमर है। तो प्राइमर लगाने के बाद मैं अपनी आईब्रोज़ के आसपास एरिया को कंसील करूँगी, यानी कि आईब्रोज़ को शार्प करूँगी। तो इसलिए इसमें मैंने पोर का ये मेरे पास एलेगर का कंसीलर है, जिसे मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये टूट गया है आगे से। तो इस तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ, ट्यूब में से इस तरीके से निकाल के और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी। ये एक छोटा सा हैक है, जो कि अगर आपके पास, यानी कि अगर आपने थ्रेड नहीं कराई है, तो इस कंसीलर की हेल्प से आप अपनी आईब्रोज़ के आसपास जो एक्स्ट्रा बाल हैं उन्हें भी कवर कर लोगे, यानी कि उन्हें छुपा दोगे, वो दिखेंगे नहीं। कंसीलर बहुत ही अच्छा कंसीलर है। और इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईलिड पर भी अच्छा सा एक बेस दूंगी, जो कि मेरा आई मेकअप जब मैं करूँगी तो वो क्रीज नहीं होगा। इसकी हेल्प बहुत ही अच्छी है, यानी कि बहुत ही अच्छे से ये हमारी मदद करता है हमारे आई मेकअप में। तो हमेशा अपना आई बेस अच्छा सा करो, जो कि आप जो भी अपना आई शेडो वगैरह लगाओ तो वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर दूँगी आई बेस को, और मेरा जो आई मेकअप है वो क्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लाइट पर्पल शेड ले रही हूँ। आप जब भी क्रीज लाइन, मैं यहाँ पर क्रीज लाइन पर अपने फेस को अच्छे से डिफाइन करूँगी अपनी क्रीज लाइन को। और जब भी आप अपना क्रीज लाइन पर कोई भी कलर अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा लाइट कलर अप्लाई करना चाहिए उसमें, चाहे लाइट पिंक हो, लाइट ओरेंज हो, लाइट येलो हो या लाइट पर्पल हो। लाइट कलर हमेशा होने चाहिए, लाइट ब्राउन शेड भी हो तो हमेशा क्रीज लाइन पर लाइट कलर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी जो आईलिड है उसको अच्छे से डिफाइन कर लूँगी पर्पल शेड से। और अगर आपके पास लाइट पिंक है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप पिंक कैरी कर रहे हो पिंक कलर का ड्रेस। तो इस तरीके से अच्छे से मैं डिफाइन कर लूँगी, और अपने पैलेट में से ही इसमें से मैंने ब्राउन शेड लेके उसको अच्छे से आईलिड पे लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ, ब्लैक आई शेडो, जिसे मैं अपनी आउटर वी पे लगाऊँगी। और हमेशा अपनी आउटर वी पे हमें डार्क कलर ही लगाना चाहिए, चाहे आपका ड्रेस लाइट हो कलर या डार्क हो। तो मैं अपनी आउटर वी पे ब्लैक कलर थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ ब्रश पे लेकर, ज़्यादा नहीं कि हमें एक साथ नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें लगाना है इस तरीके से। और मैं अपनी दोनों आई आउट ऑफ व्यू को अच्छे से कवर कर लूँगी ब्लैक कलर की शेड से इस तरीके से। और हमेशा अपनी आई मेकअप को बराबर रखना चाहिए, साथ साथ करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक आई मेकअप कर लिया एक बाद में करोगे, या तो बहुत ही एक्सपर्ट होने चाहिए, और अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको हमेशा साथ साथ दोनों आईज मेकअप करते चलना चाहिए। उसके बाद ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं कॉपर शिमरी, एक क्रीमी शिमरी ग्लिटर है, जो कि मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। और फिंगर से करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट पता नहीं क्यों मैं ब्रश करने लग गई थी, बट अगर फिंगर से करोगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा, जो भी आपके जो ग्लिटर हैं वो बहुत ही अच्छे कलर देंगे, बहुत अच्छे से उभर के आते हैं और बहुत अच्छे से प्लेस भी हो जाती है। बस इतना इजी सिंपल सा हमारा आई मेकअप था। उसके बाद यहाँ पर मैं फिटमी का ये फाउंडेशन है, जिसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी इसकी डॉटेड, और अपने पूरे फेस पे फिर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, जो कि पूरा जो मेरा फेस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा इक्वली
फाउंडेशन मेरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। और अपना नेक एरिया बिल्कुल भी ना भूलें जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो। और अगर आप मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन का रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये किस तरीके से वर्क करता है और किस कौन सी स्किन वालों के लिए है ये है, अगर आप देखना चाहो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से अच्छे से इक्वली मैंने अपने पूरे फेस पे, और देख सकते हो इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है और ये पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से इक्वली लग चुका है। इसके बाद बारी आती है हमारे आईज़ की, यानी कि अंडर आई एरिया को कंसील करने की। आपके जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या जैसे मैं लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, नोज़ के आसपास और थोड़ी सी डार्क सर्कल, तो उनको अच्छे से कवर कर लूँगी। इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेना है आपको अपने फेस को, यानी कि जब भी आप कोई ट्रेडिशनल मेकअप कर रहे हो, किसी शादी वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके का मेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपने देखा हमारा आई मेकअप बहुत ही इजी सिंपल सा था। और अगर ऐसे ही और भी मेकअप देखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर लिया है, जिसको मैं अपने लिप के आसपास एरिया और अपनी अंडर आई एरिया, जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया है अपनी फेस को, वहाँ वहाँ लूज़ पाउडर लगा लूँगी, क्योंकि जो मेरा कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और जो ऑयल वो रिलीज करेगा ऑयल मेरा फेस पे, यानी कि इतना ऑयल नहीं आएगा तो इस तरीके से, और मेरा फेस भी हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्राउन जेल आईलाइनर लिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको फिल करूँगी एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, इस तरीके से। मुझे थोड़ी खास तो आईब्रोज़ फिल करनी नहीं आती है, बट हाँ थोड़ी सी काम चलाऊँ अपने हिसाब से कर लेती हूँ इस तरीके से। और उसके बाद ये एक स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से स्मच कर लेना है, जो कि इक्वली प्रोडक्ट पूरी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल आउट कर दे, और दोनों को बराबर लेके चलना है हमें। और ब्राउन शेड ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपकी डार्क आईब्रोज़ हैं तो आप ब्लैक शेड लो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो आपके पैलेट में ब्राउन आई शेडो है ना, तो उससे फिल करोगे और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, जब भी आप अपना आईब्रोज़ फिल कर रहे हो। उसके बाद ही मेरे पास जेल आईलाइनर ही है, जो कि ब्लैक है। ये एक बॉक्स आता है, मिस रोज़ का है ये शायद। मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ कि कौन देखना चाहता है इसके ऊपर वीडियो। तो यहाँ पर मैंने इसमें से ब्लैक ब्राउन शेड से मैंने अपनी आईब्रोज़ फिल की थी, और इसमें से ही ब्लैक शेड ले रही हूँ, जिससे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ब्लैक जेल आईलाइनर इस तरीके से। और थोड़ा सा जब हम लाइट आई मेकअप करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो हम आईलाइनर लगा रहे हैं वो थोड़ा सा हमें मोटा मोटा लगाना चाहिए, अच्छा लगता है। विंग लाइनर की तरह ड्रॉ कर सकते हो, अच्छी लगता है आपका आई मेकअप। और उसके बाद यहाँ पर मैं मस्कारा लगा लूँगी, जो कि मेरी फॉल आईलैशेस जो हैं, यानी कि फेक आईलैशेस जो हैं, वो उसका ग्लू खो गया है, मुझे नहीं मिल रहा था, तो जस्ट मैंने इस तरीके से मस्कारा इस तरीके से अप्लाई किया है कि जो कि मुझे फेक आईलैशेस की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद ही ब्राउन आई शेडो लेकर मैं उससे अपनी जो काजल लगाया उसको अच्छे से स्मच कर लूँगी, वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। और इस पैलेट में से, ये पैलेट बहुत ही अच्छा है जो पैलेट मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें से मैं कॉन्टोर शेड लेके, ब्राउन शेड लेके अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये डोम शेप का ब्रश है, और अगर आप बिगनर हो तो आपके पास ही होना बहुत ही ज़रूरी है, आप बहुत ही अच्छे से कॉन्टोरिंग कर सकते हो अपने फेस को। उसके बाद यहाँ पर इसी पैलेट में से मैं ब्लशर ले रही हूँ, ब्लश भी बहुत ही लाइट सा लगाना है हमें, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो फेस मेकअप है वो लाइट ही रखना, क्योंकि हमने आई मेकअप थोड़ा लाइट रखा है इसी वजह से। उसके बाद जाना मुझे हाईलाइट करना है अपने फेस को, हाईलाइटर लगाना, मैं वहाँ वहाँ लगा रही हूँ थोड़ा, जैसे चिकबोन एरिया, नोज़ एरिया, लिप्स के ऊपर के एरिया और अपना फोरहेड एरिया, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। और ये मेरे पास लिपस्टिक है हुडा की, थोड़ा न्यूड कलर है ये, अच्छा है, बहुत ही प्यारा एक कलर है न्यूड कलर। और जब भी आप कोई पीच कलर या लाइट कलर पहन रहे हो तो आपको एक न्यूड कलर की ही लिपस्टिक लगानी चाहिए। इस तरीके से मैं अच्छे से लिपस्टिक लगा लूँगी, और फिर मैं आपको पूरा यानी कि तैयार होकर दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। और बस लिपस्टिक लगानी है आपको, और छोटी सी बिंदी लगानी है,
सॉरी, मैं अपना जो मैंने पाउडर एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था वो तो डस्ट आउट किया नहीं, और उसे अच्छे से डस्ट आउट कर लूँगी। उसके बाद एक छोटी सी बिंदी लगानी है और बस अपनी ज्वेलरी अपनी ड्रेस पहननी है और हम तैयार हो गए हैं। इतना सा मेकअप था। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप आगे ऐसी और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, आपकी क्या परेशानी है जो शायद मैं हल कर पाऊँ आपकी परेशानी को। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ना, कमेंट भी ज़रूर करना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।